वाटर पार्क में नहाने गए 9 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। गर्मी का समय है और इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग वाटर पार्क को अपनी पसंद बना रहे हैं। वाटर पार्क तो वैसे आनंद देता है, लेकिन इसका पछतावा उस माँ बाप को हो रहा है जिसने अपने 9 साल के बच्चे को खोया। एक छोटी सी लापरवाही हुई और उस बच्चे की जान चली गई। उन माँ बाप और बच्चों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए जो इन दिनों अपने बच्चों को वाटर पार्क लेकर जा रहे हैं। 9 वर्ष का मासूम आरुष पानी की गहराई में चला गया। उसने निकलने का कोशिश तो किया, लेकिन निकल नहीं सका। बस कुछ सेकेंड और सब कुछ खत्म हो गया। पानी से उसके पेट फूल गए और वह सांस नहीं ले पाया। भोपाल के साकेत नगर निवासी गौरव राजपूत अपने परिवारजन के साथ सीहोर जिला मुख्यालय स्थित वाटर पार्क में संडे का दिन इंजॉय करने आए थे, लेकिन यह मौज मस्ती परिवार के लिए दुख भरी साबित हुई। बच्चे वाटर पार्क में खेल रहे थे और सभी बहुत उत्साहित थे। उसके माता पिता उस पर नजर लगाए हुए थे, लेकिन एक छोटी सी चूक बड़ा हादसा बुला लिया। पिता ने वाटर पार्क प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता ने कहा कि मौके पर कोई जीवन रक्षक उपकरण नहीं था। बच्चा वेव पूल में कैसे गया? जब वह बड़े कुंड में गया तो लाइफ गार्ड कहाँ थे? पार्क प्रबंधन क्या कर रहा था? जब वह वेव पूल में जा रहा था तो मौके पर मौजूद गार्ड ने सीटी क्यों नहीं बजाई? मृतारुष के पिता गौरव ने कहा कि मैं जब स्लाइड पर था तब भी अपने बेटे का ख्याल रख रहा था, लेकिन लगता है कि क्षण भर में गड़बड़ हो गया। वहीं हादसे के बाद आरुष की मां गहरे सदमे में है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ।